नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनाव में आर पार के मूड में नजर आ रहे तमाम सियासी दल रैली और जनसभाएं करने में जी जान से जुटे हैं, और जब चुनावी माहौल हो तो नतीजे तो बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले पार्टियों के सामने जनता को ये दिखाने की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किसकी रैली में ज्यादा भीड़ उमड़ी और किसकी रैली में कम। इस मामले में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कहीं आगे हैं। मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ लोकप्रियता के तमाम पैमानों को धराशायी करती नजर आती है, लेकिन राहुल इस मामले में मोदी से बहुत पीछे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की रैली में जुटी फर्जी भीड़ को वायरल करने में जुटी है। दरअसल हाल ही में युवा कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की नागपुर रैली की कुछ तस्वीरें शेयर की गई और दावा किया गया कि 5 अप्रैल को हुई इस रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा है। युवा कांग्रेस ने शेयर की 4 तस्वीरों के साथ लिखा है, भारत के हर कोने से कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के लिए उमड़ा प्यार और प्रोत्साहन इस बात का सबूत है कि भारत मोदी की नफरत वाली राजनीति को ठुकरा रहा है और राहुल गांधी की प्यार, एकता और विकास की विचारधारा को अपना रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता विनायक डालमिया ने तस्वीरें ट्वीट कर लिखा है, आरंभ है प्रचंड। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि नागपुर में राहुल गांधी की रैली, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, ईमानदार राहुल गांधी की विजय हो। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही कांग्रेस के फर्जी भीड़ वाली पोस्ट की पोल उस वक्त खुल गई जब पड़ताल में मालूम चला कि ये तो साल 2016 की तस्वीर है। दरअसल 11 अप्रैल 2016 को नागपुर टुडे ने उस वक्त कांग्रेस की रैली कवर की थी, जिसकी तस्वीरें एक कांग्रेस समर्थक ने ट्विटर पर डाली थी। यानी यूथ कांग्रेस ने जो तस्वीरें पोस्ट की है वो विवादित तस्वीरें नागपुर में हुई कांग्रेस रैली की ही है। लेकिन ये रैली 4 दिन पहले नहीं बल्कि 3 साल पहले 2016 में हुई थी। यूथ कांग्रेस ने पुरानी तस्वीर शेयर करके झूठा दावा किया कि राहुल गांधी की रैली में विशाल जनसमूह आया था। चुनावी मौसम में इस तरह की फर्जी तस्वीरें और पोस्ट सोशल मीडिया पर आपको और भी देखने को मिल सकती हैं। तो किसी भी पोस्ट पर यकीन करने से पहले सावधान और सतर्क रहें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के सब साथियों, सबसे पहले तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें रखी है उस सब के नीचे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। और इसलिए रिपीट करने की जरूरत न पड़े, मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए, और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को सुनना, समझना, और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की है इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे,
जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में तीन प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं, 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है और इसलिए एक ही डंडे से सबको हांका नहीं जा सकता और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल, जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को समाहित करके हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। राजनीति चल सकती है लेकिन देश नीति चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करना होता है, उसको हमने इसमें लेने का पूरा प्रयास किया है। अब जैसे उदाहरण के लिए
आने वाले दिनों में भारत के सामने जो कुछ कठिनाइयां नजर आ रही है, जैसे पानी, खास करके मैं आज जब तमिलनाडु की गहराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं।